आदाब, मैं वसीम खान और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। चलिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, आज हमारी टीम पहुंची है फरीदाबाद जिले के फतेहपुर तक गांव में, जहां पर रस्तों में बहुत ही ज्यादा पानी भरा हुआ है, गंदगी फैली हुई है, लोगों को निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, ये रास्ता वो रास्ता है जो फरीदाबाद के लिए बहुत ही शॉर्ट रास्ता है। जो और भी गाँव के लोग मौजूद है जी, आपका नाम क्या है जी? राजकुमार। राजकुमार जी, आप क्या चाहते, क्या परेशानी आपकी? हम तो इस रास्ते को बढ़िया चाहना कहते हैं कि रास्ता सही बने हमारा जी, अरे कोई ऐसा सरपंच आए जो कि हमारा ये बढ़िया काम करे जी, हम तो ये चाहते हैं जी। ठीक, धन्यवाद जी आपका। आप देखते रहिए मेवात आज तक, फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ, धन्यवाद। पर गांव की महिला भी कुछ इकट्ठी हुई है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। जी आपका नाम क्या है? फरीदा जी, क्या परेशानी आपकी? ये परेशानियां या गांव को रोड है मेन आयु फरीदाबाद को जा रही रोड, और यहाँ में दुनिया ऐसी गिरे हमारे उठाने भारी हो जाए, ना ही नाली है ना ही कुछ है, मतलब कोई सुविधा ही ना, निवाजी लगता भी खराब हो जाए सारे। हमें यूँ चाहिए ये रास्ता बना दे हूँ तक सारे। आपने किसी से बोला नहीं इसके बारे में? कही हमने सरपंच से भी कही ही, एक बार इतना पाई तुलाई भी ले गो करके नीना, फिर पता ना कैसे रही कहाँ रही, कहाँ मन में ही ना करो। फिर सरपंच ने कुछ कही नहीं इसके बारे में? तो फिर कुछ दोबारा कोई बात ना हुई कैसे तरह की। यहाँ पर कुछ और महिला भी, उनसे भी जानने की कोशिश करते। जी आपका नाम क्या है? सर जी नाम जी, क्या परेशानी आपकी? क्यों परेशानी भाई, देख नारी इनका हाल, और हमारे बालक गिरे हैं दिनू या में दिनू डोले हैं पानी में, छबल छबल करते गंदा पानी है, घूमड़ी हो रही है, फुंसी हो रही है, और आगे चल के देखो हमारे घरन का आगे कैसे कैसे गंद छा रही है, कीड़ा है, लंबे लंबे डोले हैं, भागे भागे घरन में घुस जा हमारे इनमें, और बालक अन्य पावन में लिपट जावे रात दिना, हमें ऐसे जी रहे हैं, हमें जैसे गू गंदगी में जी रहे हो, कंजर पड़े हो। तो आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं हमारा रोड सावधान करो जावे एकदम। अरशद, एक सरपंच जी, क्या परेशानी है जी? यहाँ में ये रास्ता इतना खराब है कि जो यहाँ पे 10-15 गांव के रास्ते निकलते हैं, गांव निकलता है और फरीदाबाद के लिए जाते हैं, यहाँ गंदगी फैल रही है, इससे बीमारी का पूरा पूरा डर है, इसलिए प्रशासन से सरकार से हमारा अनुरोध है कि भाई ये जो गंदगी खत्म की जाए। दूसरी गांव की कहते हैं कि भाई गांव में 3 करोड़ रुपया लग गया, ये देखो 3 करोड़ रुपये का ये विकास है, जो पूरा गांव का रास्ता बिल्कुल गंदा है और पूरे दिन इसमें कीड़े मकोड़े फैल रहे हैं, गांव में ये दिक्कत है। आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। तो फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें, तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।